बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हैं और आज बहुत ही टेस्टी स्पाइसी एक रेसिपी लेकर आए हैं। वो रेसिपी है मसाला क्रेमी चिकन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेरे हाथ में है, देखिए। जब इस चिकन को आप बनाएंगे और सबको खिलाएंगे तो सब बहुत सारा आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। और चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं चिकन को। ये देखिए, चिकन को मैंने धोकर और इसे नमक हल्दी लगाकर छोड़ दिया है आधा घंटा के लिए। और ये चिकन है आधा किलो, और उसके लिए मैंने ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, प्याज 250 जैसा प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा लिया है, कुछ लहसुन की कलियां लिया है। और इसमें लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये चिकन है, चिकन में लहसुन जो है थोड़ा ज्यादा डालने से उसका स्मेल, बैड स्मेल नहीं आती। अब बनाना शुरू करती हूँ। प्याज सबको मैं कट करूंगी और उसके साथ मैं थोड़े से गर्म पानी में मैंने ये आलमंड बादाम को भिंगा कर रखा है और उसके साथ ये करी पत्ता पैन को चढ़ा दिया है। और ये रिफाइंड तेल से मैं बनाऊंगी। तेल बड़े चम्मच का, एक चम्मच काफी होगी। और गैस का फ्लेम को हाई कर दूंगी। तेल गरम हो गई है। अब इसमें सबसे पहले ये खड़ा मसाला, जो गरम मसाला है, वो सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। प्याज को डाल देते हैं। उसके साथ साथ करी पत्ते को भी डाल देंगे। करी पत्ते को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये जल जाने पर अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो ये सारा का सारा करी पत्ता भी डाल दिया। ये सूखी मिर्च, जो लाल मिर्च है, इसे भी डाल दिया। गैस का फ्लेम को इस समय हाई रखेंगे। इसे हमें अच्छा से फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज लगेगा तो इसमें टमाटर डाल दूंगी। अभी इसे हल्का फ्राई करते हैं एक मिनट के लिए। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुकी है, देख सकते हैं। ज्यादा इसको चेंज नहीं करना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। इसे चला लेंगे। फिर इसको एक से डेढ़ मिनट ऐसे ही फ्राई करना है हल्का हल्का। इसका कलर जब चेंज हल्का सा लगेगा तो इस समय इसमें नमक डाल देंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये जो लहसुन रखा है, ये सारा लहसुन दे देंगे। अदरक को अभी इस समय नहीं लेना है। अदरक को इस समय इसको पीसेंगे, उसी समय इसमें डालना है। फिर थोड़ा सा चला लेते हैं और इसमें नमक डाल देते हैं। गैस का फ्लेम को थोड़ा सा कम करते हैं। एक चम्मच इसमें नमक डाल देना है। इसको फिर से थोड़ा सा हल्का चला देना है, ऐसे फ्राई कर लेना है। इसको चलाते रहना है ऐसे, और चलाते चलाते इसका जो करी पत्ते डाले हैं फ्रेंड, इसका जो मतलब सुगंध है इतना ज्यादा है, इतना अच्छा आ रहा है। जब आप बनाएंगे इसे, ट्राई करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कितना मतलब टेस्टी खुशबू आ रही है। ये अच्छा से इसको भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे।
सारा मसाला फ्राई हो गया, प्याज टमाटर लहसुन आदि भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो भी मसाले हैं जैसे हल्दी, हल्दी डालेंगे, हल्दी ज्यादा नहीं, एक से डेढ़ चम्मच धनिया या दो चम्मच, जीरा एक चम्मच, और हल्दी को ज्यादा नहीं डाला है, आधा चम्मच डाला है, और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये जो तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है, ये कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, उसे भी आधा चम्मच डाल दूंगी। और नमक तो पहले ही डाल दिया है, अब इसको पीस लेना है। इसको मैंने पीस लिया है, इसे एक बार और पीसेंगे। अभी शुरू में बादाम मैंने नहीं डाला है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही आप बादाम डालेंगे तो अच्छा से इसका पेस्ट नहीं बनेगा, इसीलिए अब सारा ये जो बादाम है, आलमंड बादाम, इसे मैं डाल दूंगी। और फिर एक बार मिक्सी को चला लेना है, थोड़े से पानी के साथ, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पैन को चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, अब इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसमें उस समय भी मैंने तेल डाला था, इसीलिए इस समय बस एक चम्मच जैसा ही, बड़ा चम्मच का एक चम्मच जैसा तेल डालूंगी। इसे गर्म होने के लिए फ्लेम को बढ़ा दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, इस पेस्ट को मैंने बना लिया है, काजू नहीं आलमंड बादाम और प्याज टमाटर आदि लहसुन करी पत्ते के साथ इसे पीस लिया है, और एक स्मूथ पेस्ट देखिए कितना सुंदर बन के तैयार है। तेल गरम हो चुकी है, अब ये पेस्ट को इसमें डाल देना है। इसे इसे चला देना है, थोड़े से पानी डालना है इस समय, नहीं तो मसाला जल सकती है। मसाला को डाल दिया है, अब इसे हल्के हाथ से इसे हमें चलाना है, इसे इसे बस दो तीन मिनट ही फ्राई करना है, क्योंकि मसाला तो उस समय भी फ्राई किया था, इसीलिए ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे। और इस समय एक लाल सूखी मिर्च डालेंगे, उस समय भी दो मिर्च मैंने डाला है, इसलिए ज्यादा आप अपने समझ के अनुसार मिर्च को डालें। अगर ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, तो बाद में जो ये सूखी मिर्च मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च, इसे आप नहीं डालेंगे। मसाला को चला लेते हैं। मसाला को मैंने दो तीन मिनट फ्राई कर लिया है, अब इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। ये सारे पीसेस डाल देंगे और चलाते रहेंगे। ये आधा किलो चिकन है, फ्लेम को फिर हाई कर देंगे, और इसे पांच मिनट जैसा हमें फ्राई करना है, ताकि चिकन के अंदर सारा मसाला आ जाए। ये चिकन को भी मैंने आधे घंटे के लिए सूखे मसाले के साथ, नमक के साथ छोड़ दिया था, इसे आधा घंटा, पांच मिनट के लिए अब इसे फ्राई करना है। चला लेते हैं एक बार, देखिए ये अच्छा से फ्राई हो गया है, और चिकन के साथ पूरा मसाला भी मिल चुका है। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, पानी वही जिसमें मिक्सी में मैंने मसाला पीसा है, मिक्सी का, और उसी में मसाला का थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, इसे इसमें डाल देंगे। और नमक और किसी तरह का मसाला अभी मैंने नहीं डाला है, उसी समय डाला है। अगर आपको नमक कम बुझाए तो आप थोड़ा सा कम बेशी दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इससे पकने के लिए पांच मिनट छोड़ देंगे। इसमें पानी डाल देते हैं, ये मसाले का ही पानी है, और अगर जरूरत है थोड़ा सा और डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं देंगे। बादाम जो डाला है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा क्रीमी जैसा आया है।
इसमें पानी डाल दिया है और पानी नहीं देंगे। इसका कलर थोड़ा सा क्रीमी आएगा और टेस्ट भी क्रीमी क्रीमी, इसमें जो बादाम डाला है उसकी वजह से। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे देखना है और गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आइए चेक करते हैं फ्रेंड्स चिकन को। चिकन बनकर तैयार है खाने के लिए, परोसने के लिए। अब गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आइए फ्रेंड्स चिकन बनकर तैयार है। इसे आप अपने घर में जरूर ट्राई करना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।